आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने नारमल स्थित निर्माणाधीन मानसिक मंदित विद्यालय तथा लाल डिग्गी स्थित राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। सभी निर्माणाधीन कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। शनिवार को पत्रकार वार्ता में शिवानी यादव ने बेनीगंज चौकी इंचार्ज पर अपने भाई के उत्पीड़न व पिटाई का लगाया था आरोप। मामले का संज्ञान लेते हुए रविवार को एसएसपी ने बेनीगंज चौकी इंचार्ज को किया लाइन हाजिर। ब्रजेश सिंह हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त बहादुर चौहान के विरुद्ध की गई एनएसए के तहत कार्रवाई, एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित चार अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। अवैध शस्त्र किए बरामद, एसपी सिटी ने कहा पंजीकृत मुकदमा के तहत की जा रही है विधिक कार्रवाई। प्रदेश सरकार ने राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी का बढ़ाया कार्यकाल। अंजू चौधरी ने मुख्यमंत्री का जताया आभार, कहा महिलाओं के हित में करूंगी काम। मुहर्रम त्योहार को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने पीस कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ की बैठक। अधिकारियों ने कहा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाए त्योहार। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने पैडलेगंज तिराहे पर चलाया चेकिंग अभियान। 150 वाहनों का चालान कर वसूला करीब 2 लाख का जुर्माना। गोरखपुर में रविवार को मिले 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,374। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 13 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। सेवा समर्पण संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम एक विकास यात्रा पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। गुरु कृपा संस्थान के तत्वाधान में अगस्त क्रांति दिवस पर आयोजित हुई संगोष्ठी, कहा देश की आजादी में भारत छोड़ो आंदोलन की रही है अहम भूमिका। सवर्ण उत्थान समिति द्वारा मंडल कमीशन लागू करने को लेकर मनाया गया काला दिवस। सामान्य आयोग गठन करने की मांग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा सकुशल हुई संपन्न। 9,000 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए शामिल, कहा पेपर था आसान पर मेरिट हाई होने का है डर। शांति कुंज हरिद्वार के केंद्रीय प्रतिनिधि वाराणसी जोन के समन्वयक की अध्यक्षता में संपन्न हुई गायत्री परिवार उप जोन की बैठक। शांति कुंज द्वारा स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में क्रियान्वित योजनाओं के सापेक्ष किए गए कार्यों की गई समीक्षा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए शासन के निर्देश पर शनिवार और रविवार को लगाए गए साप्ताहिक बंदी के मद्देनजर रविवार को भी महानगर में साप्ताहिक बंदी का देखने को मिला असर। बंद रही दुकानें लेकिन सड़कों पर लोगों का आवागमन रहा जारी। एडीएम फाइनेंस ने कहा करें साप्ताहिक बंदी का पालन, घर में रहें, सुरक्षित रहें।